नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं एसरो तक की खास प्रस्तुति में वास्तु का सच। और हम लेकर आए एक स्पेशल टॉपिक, और ये टॉपिक आज का विशेष टॉपिक है, ये वास्तु दोष करा सकता है डाइवोर्स। जी हाँ, सही सुना आपने, वास्तु दोष भी डाइवोर्स करा सकते हैं, वास्तु दोष भी संबंध विच्छेद करा सकते हैं, पति पत्नी के बीच में कलह करा सकते हैं, कलह का कारण बन सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, हम अपना दाम्पत्य जीवन बहुत तिनका तिनका करके एक व्यक्ति संभालता है, बहुत पैसे जोड़कर अपने लिए अपना आशियाना बनाता है, विवाह करता है, पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर वो साथ चलते हैं तो ये जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी तरह चल जाती है, अगर नहीं चल पाते तो संबंध विच्छेद हो जाते हैं, पछताना घर वालों के साथ साथ खुद को भी पड़ता है और बच्चों को भी पड़ता है। ऐसी क्या परिस्थिति बनती है कि व्यक्ति के डाइवोर्स बन जाते हैं? ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सातवां भाव, आठवां भाव, बारहवां भाव और पांचवां भाव ये मैरिज के लिए इन्वॉल्व होते हैं, सात ब सात के अंदर आपसी प्रेम के लिए और एक दूसरे से सुख और दुख बांटने के लिए ये चारों भाव देखे जाते हैं। वास्तु के दृष्टिकोण से स्त्री के लिए घर का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, पुरुष के लिए दक्षिणी हिस्सा और शयन आदि सुख के लिए दक्षिण पश्चिमी हिस्सा देखा जाता है। तो दक्षिण पूरा जो है वो भोग विलासिता जीवन साथी का साथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यहीं से अर्निंग भी देखी जाती है, दक्षिणा दक्षिण शब्द से ही देखी जाती है कैपेबिलिटीज। जब कभी घर का दक्षिण, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिमी हिस्सा खराब हो जाए, तब व्यक्ति के जीवन में उस वास्तु दोषों के कारण से डाइवोर्स जैसी कंडीशन बन सकती है। जैसे कि अगर घर का दक्षिणी हिस्सा ठीक ना हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता हो, बहुत ज़्यादा ठंडक रहती हो, वहाँ पर बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक पैनल या इलेक्ट्रिकल पैनल लगा हुआ हो, दक्षिण पूर्वी हिस्से के अंदर पानी का स्थान बन गया हो, वो हिस्सा बिल्कुल भी गर्म ना हो, वहाँ पर धुएं को निकलने का कोई तरीका ना हो, अगर वहाँ पर किचन का प्लेटफॉर्म और पानी का प्लेटफॉर्म अगर एक ही दृष्टि में बना हुआ हो, तो स्त्री की खिन्नता पति से हो जाती है। अगर घर के दक्षिणी हिस्से के अंदर बहुत ज़्यादा नीले रंग का इस्तेमाल हो गया हो, सफ़ेद रंग का इस्तेमाल हो गया हो, तो पति की खिन्नता अपनी पत्नी से हो जाती है। अगर दक्षिण पश्चिमी हिस्से के अंदर बहुत ज़्यादा सफ़ेद रंग का इस्तेमाल कर लिया जाए, या किसी भी प्रकार से ये जो है हिस्सा जो है वो काफ़ी हल्का हो जाए, तो पति पत्नी के बीच में आकर्षण वाली स्थिति जन्म नहीं लेती है। तो ये जो तीन हिस्से हैं घर के, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर इनमें कुछ वास्तु दोष है तो जीवन में डाइवोर्स जैसी कंडीशन बन सकती है। सबसे पहले तो इनके वास्तु दोषों को दूर करना चाहिए। दक्षिण पूर्व गर्म रहना चाहिए, दक्षिण काफ़ी अट्रैक्टिव रहना चाहिए और तीखा रहना चाहिए, और दक्षिण पश्चिम बहुत सौम्य, बहुत काम्य रहना चाहिए, और यहाँ पर नीले शेड्स का, भूरे शेड्स का प्रयोग करना चाहिए, और ये हिस्सा काफ़ी भारी रहना चाहिए, और यहीं पर शयन कक्ष भी होना चाहिए। लेकिन अगर इस डायरेक्शन के अंदर डायरेक्टली अगर कोई गटर का चैम्बर है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा खुल्लापन है और ये एरिया हल्का हो गया है, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास आ जाती है, और इसी कारण से व्यक्ति को संभवतः डाइवोर्स का सामना करना पड़ता है। अब एक विशेष चीज़ जिससे आप अपने डाइवोर्स के मामले निपटा सकते हैं, अगर आपके जीवन में भी कोई प्रॉब्लमेटिक स्थिति चल रही है डाइवोर्स को लेकर, तो आप निश्चित रूप से उसे सुलझा सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें? देखिए, विवाह का कारक जो माना गया है वो शुक्र को, विवाह के सुख का कारक मंगल को, और दाम्पत्य का कारक बृहस्पति को माना गया है। यानी कि बृहस्पति, शुक्र ये दोनों गुरु, और मंगल जो काम सुख का कारक है वही रिस्पॉन्सिबल है विवाह के लिए। तो विशेष रूप से दक्षिण दिशा को ठीक कर दिया अगर जाए, तो 100% विवाह में आने वाली बाधा दूर हो जाती है। अगर आप भी डाइवोर्स केस से पीड़ित हैं तो आप ये उपाय जरूर करें, महा उपाय। दक्षिण दिशा में एक कार्नेलियन यानी कि रात रतूला क्रिस्टल का अगर आप पिरामिड रख देते हैं और उसके ऊपर एक लाल रंग का लट्टू यानी कि बल्ब जला देते हैं, तो डाइवोर्स जैसे मुद्दे आपके जीवन से खत्म हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। नमस्कार।